जनाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टाइम आउट विद एहसन खान। और सबसे पहले तमाम देखने वालों को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जनाब जनाब, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ये नया साल जो है जबरदस्त अंदाज में गुजरे, पूरा साल बेहतरीन गुजरे और इसी तरह आप लोग खुश रहिए, दूसरों को खुश रखेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपकी तरफ भी खुशी आएगी। पॉजिटिविटी के बारे में कहते हैं कि अगर आप कुछ अच्छा कर नहीं रहे, एटलीस्ट अच्छा सोच लें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव बातें करें तो इंशाल्लाह तमाम पॉजिटिव चीज़ें आपके पास खुद ब खुद आती रहेंगी। तो ये हम दुआ करेंगे आपके लिए, आप हमारे लिए कीजिए और अपने मुल्क के लिए भी दुआ करेंगे ये साल हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल रहे। जनाब आज की गेस्ट भी एज ऑलवेज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग मिलना चाहते थे बहुत अरसे से, उनकी हम बातें वैसे तो बहुत सुनते हैं, एक उनमें से होस्ट हैं, उनकी बहुत सी होस्टिंग हम देखते रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी कैसी गुजर रही है ये कभी शायद किसी ने नहीं पूछा। और उनके साथ एक और भी स्पेशल गेस्ट हैं, ब्रेक के बाद मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। और एक बार दोबारा फिर आप सबको हमारी तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जनाब पीसा अवार्ड्स के रेड कार्पेट आपने देखा और पीसा अवार्ड भी चलना है। इट वाज अ ह्यूज अवार्ड, इट वाज वंडरफुल, इट वाज सो नाइसली डन। क्लिप्स देखते हैं और बहुत मज़े मज़े के जो डांसेस हैं उसमें, बहुत मज़े मज़े की हमारे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज हैं। मैविश की स्पेशली बहुत अच्छी है, बाकी लोगों की भी बहुत अच्छी है। और फिर बहुत से लोग अवार्ड जीते और हमने सोचा कि एक अवार्ड विनर जो हैं उनको यहाँ आपसे मिलवाते हैं। यहाँ ज़बरदस्त हमारी मॉडल हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छा दिखती हैं ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन ऑल्सो, एंड शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड। सिर्फ ये पहला अवार्ड नहीं जीता, इससे पहले भी अवार्ड जीत चुकी है। प्लीज वेलकम नॉट फहीम, फहमीन अंसारी। हेलो 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 हेलो, बैठिए। थैंक यू, नया साल मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच, आपने इंट्रो बहुत अच्छा दिया, थैंक गॉड कि सही नाम प्रोनाउंस हुआ, कि मैंने आपको फहीम नहीं कहा। देखें हाँ, मैं वही कह रही हूँ, आपने फहीम बोल के देन यू नो करेक्ट। पता नहीं क्यों डर रही थी कि मैं फहीम बोलूंगा, क्या लोग अक्सर फहीम बोल देते हैं? बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज नाम सुनते ही कभी कभार टिकट पे जो है मेरा नाम फहीम आ जाता है। मिस्टर फहीम पे तो मैं ट्रैवल भी कर चुकी हूँ, मिस्टर फहीम पे, मिस्टर फहीम पे। अच्छा, अवार्ड जीती, मुबारक हो। थैंक यू सो मच, जबरदस्त। कैसी कैसा फील होता है अवार्ड जीतने के बाद? ज़ाहिर बहुत अच्छा फील होता है जब आपको आपकी जो मेहनत है उस पर आपको टाइम पर अवार्ड दे दिया जाए और लोग उसको अप्रिशिएट करें और आपको अवार्ड की फॉर्म में जो है वो आपको रिप्रेजेंट किया जाए दुनिया के सामने। किस काम पे अवार्ड मिला? इट्स एक्चुअली मॉडल ऑफ द ईयर। नहीं मतलब आई मीन कि पोर्टफोलियो जब जाता है, हाँ, कौन सा ऐसा काम जो बहुत जबरदस्त उनको लगा हो कि ये वाला काम यार इस साल ये शूट या ये वाला काम या पिछले साल बहुत अच्छा था? अच्छा अच्छा, मॉडल के लिए जो है सिर्फ ये नहीं होता कि वो शूट कर रही है तो उस पे अवार्ड मिल जाए। उस एक मॉडल जो फैशन मॉडल होती है, जो सुपर मॉडल होती है, एक टॉप मॉडल जो होती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो रनवे भी करे, फैशन शोज भी करे, देन एडिटोरियल्स भी करे, देन आपके जो ये ब्रांड शूट है वो भी हो। तो इट्स अ मल्टीपल वर्क। और कोविड में तो ये था, ये काम बहुत कम हो गया था, इवन फैशन शोज नहीं हुए because of this global pandemic. मगर उसमें भी हम लोगों ने वर्चुअल फैशन शोज़ किए, हम लोगों ने रनवेज ट्राई किए, BCW किया, हमने कोशिश की कि उसमें भी जो है ना, तो हाँ, तो उस पोर्टफोलियो को देखते हुए जो है कि मॉडल उस डिफिकल्ट क्राइसिस में भी जो है परफॉर्म कर रही है, तो उस पे जो है वो मॉडल को जज किया जाता है। डिफिकल्ट क्राइसिस में परफॉर्मेंस बड़ा काम है। अच्छा साहब, हम क्योंकि न्यू ईयर का शो है तो ऑब्वियसली हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी हंसे, मैं खुद भी हंसूँ और हम हमारा जो पूरा सेट है वो खिलखिला जाए। तो किसी जाहिर है बहुत प्यारे इंसान को बुलाना चाहिए, तो वो प्यारा इंसान वैसे भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। एक तो उसका एटीट्यूड इतना अच्छा, ऊपर से वो ही सुपर टैलेंटेड, ही इज़ अ वंडरफुल होस्ट एंड रिसेंटली वी हैव लव्ड द शो दैट ही डज। और आप देखें कि वो शो हर वक्त इस का हर वक्त कहीं ना कहीं ट्रेंड कर होता है या कोई ना कोई इसका क्लिप
जो है वो नजर आ रहा था। अब ये भी तो रिसेंटली किसी सियासतदान को फोन मिला दिया शो में और फिर उन्हें उठा भी दिया, फोन उठा लिया, मतलब मैं हैरान हो गया इस बात पे, आप समझ गए होंगे। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली ताबिश हाशमी। बैठ जाओ, इजाजत है? प्लीज बैठे यार, फाइल ही आप देख रहे हैं। ये बैठे बैठे उठ क्यों गया, अब क्या हो गया? बैठा ही नहीं मैं। अच्छा मैं सही से बैठा ही नहीं। बैठने लगे थे फिर ऐसे आप खड़े रहे ना, बड़ों का एहतराम। ओए होए, काम में बड़ा मतलब या वैसे उम्र में बड़े की एहतराम? अब ये मैं आप पे छोड़ दूंगा, अब आप सोचते रहेंगे रात में यार किस किस्म का बड़ा। नहीं नहीं, मैं उम्र में बड़ा ही हूँ तुमसे यार। दिल से नहीं कहा आपने ये? दिल से नहीं? क्यों दिल से कहा यार, उम्र में बड़ा ही होऊंगा यार। सिर्फ कंफर्म कर रहा था, मतलब मैं कंफर्म कर रहा हूं। आप निकलते हुए से हैं थोड़ा। हाँ, वो कंफर्म हम कर लेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा क्या हालात है, क्या हाल है, सब खैरियत है? हैप्पी न्यू ईयर यार, बाय द वे, नया साल। मेरी असल में मैं न्यू ईयर बेबी भी हूँ, पहली जनवरी को ही। ओ तो फिर हैप्पी बर्थडे यार, हैप्पी बर्थडे। अभी मैंने बोलना भी नहीं सीखा है। फिर तो आप अभी भी सीखे, फिर तो अभी तो मैं गरम गरम पैदा हुआ। गरम गरम फहमीन, मैंने जान के बोला फहमीन। हैप्पी बर्थडे गाना चल रहा है, गाओ ना ताबिश। हे डियर ताबिश, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मोर। मुझे कुछ याद आया इस सेशन में, क्या एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपना गम? एक्सप्रेस पे एक्सप्रेस कर सकते हैं आप। हाँ ये देखो कैसे कैसे मैं बहुत ही अच्छा। पहली जनवरी को जो पैदा होते हैं ना, उनके बारे में या तो ये अज्यूम कर लिया जाता है यार ये इनकी जाली बर्थडे। अच्छा अज्यूम कर लिया, क्योंकि फेसबुक पे बाय डिफॉल्ट फर्स्ट जनवरी पड़ी होती है। हाँ, तो वो लोग हाँ, अक्सर चेंज नहीं करते, तो सबसे ज्यादा बर्थडे जो है वो फर्स्ट ऑफ जनवरी को नजर आती है। तो अब मेरी बर्थडे की जो यूनिकनेस थी कि मैं पहले दिन साल के पैदा हुआ हूँ, जो घर पे मुझे एक तनख्वाह तनख्वाह सा फील होता था, मेरे अब्बू मुझे तनख्वाह की तरह ट्रीट करते थे क्योंकि पहली तारीख को आता था तनख्वाह की तरह, तो इस तरह रखते थे। और अब मैं भी अपने आप को एक यूनिक बंदा समझता था यार, फर्स्ट ऑफ, ये नहीं कि 17 दिसंबर को पैदा हो गया, ये नहीं कि 15 अगस्त को, फर्स्ट ऑफ जनवरी। अच्छा यूनिक, अब लेकिन सबकी है। और अब इसको इस डेट को हर कोई शादी रख लेता है। हाँ, आपने एनिवर्सरी आया हर साल, और फिर अगले साल उसी शादी की एनिवर्सरी है, मेरी बर्थडे मनाई नहीं जा रही। और फिर मंथ एंड भी होता है ना, फिर फर्स्ट जनवरी को किसको सैलरी मिलती है? आपका बैंक हॉलीडे, बैंक भी बंद है, तो जुल्म हो गया यार, कोई गिफ्ट भी नहीं आता होगा। मैं अगली बार मुझे चांस मिला तो मैं कोई ऐसी 5-6 तारीख को पैदा हूँ। 5-6 तारीख, ठीक है। अच्छा भाई, शो बड़ा जबरदस्त जा रहा है, तो क्या वो शो किस वजह से जबरदस्त जा रहा है, क्या लगता है कि क्यों वो शो जो इतना अच्छा लोग पसंद करते हैं? आपका या मेरा? वो शो का नहीं, मेरा नहीं, वो शो। अरे भाई आप मेरा तो छोड़ देना, हम इसी शो पे अच्छा जा ही रहा है। हाँ अल्लाह का करम है, अच्छा जा रहा है, उसकी उसमें तो कोई शक ही नहीं। लेकिन मैं आपके शो की बात करूँ, वो भी मुझे अच्छा लगता है बहुत। तो उसकी वजह क्या अच्छा जा रहा है कि मुझे ये बताएं? एसएन, एक तो उसकी वजह ये है कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्योंकि आता है, तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, गंदी गंदी बातें कर सकते हैं। हाँ गंदी बातें, गंदी गंदी बातें, गंदी बात, गंदी 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 बात, सच्ची बातें कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, गंदी बातें भी सच्ची हो सकती है, वही तो कह रहा हूँ। सही है, ठीक है, गंदी तो लग जाती है। ओके ठीक है, तो वो यानी यू कैन व्हाटएवर वी कांट टॉक ऑन टीवी, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, कुछ भी रैंडम पूछ सकते हैं, अपने ओपिनियंस को क्लियरली लोग बता सकते हैं। इसलिए उससे होता ये है कि क्योंकि लोगों को इतने क्लियरली या ओपनली ओपिनियन सुनने की आदत नहीं है हमारे यहाँ, तो वो कहते हैं अरे ये क्या कह दिया, उससे वो हिट हो जाता है। नया है ना, नया ये नया है, जबकि अच्छा, वो बातें वही हैं जो उनको पता भी होंगी मगर उन्होंने उस बंदे के मुंह से सुनी नहीं सुनी होंगी। बिल्कुल सही है। अच्छा बहुत से आर्टिस्ट जो है उस शो में आने से घबराते हैं? घबराते हैं। आप नहीं घबराए थे? लेकिन नहीं, मैं तो आप हाँ, हमने कितना एंजॉय किया था। आई एंजॉयड द शो, आई लाइक द वे यू होस्ट, आई लाइक योर, मुझे लगता है कि यूनिक जो यूनिक होते हैं ना, अलग अलग होते हैं लोग, तो उनको बड़ा चेरिश करना चाहिए हमारे मुल्क में कि वो अलग हैं कुछ। तो आप थोड़े अलग हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात का मतलब। क्यों अंग्रेजी में कुछ बोला मैंने? हटके जेनरली बोला भाई, हटके। अच्छा नहीं, हटके बोला है। अच्छा तो फिर ये क्या है, मतलब अभी सियासतदान को फोन करा दिया, क्या था वो अपना आइडिया था या नहीं? नहीं मेरा, आप मुझे एक बताएं बात। हाँ, आपका आइडिया कुछ नहीं होता, मैं तो कुछ करता ही नहीं। आप कुछ करते ही मैं नहीं, मैं बैठा रहता हूं। हाँ, मैंने उनसे कहा और मैं सवाल पूरा भी नहीं हुआ था। हाँ, हाँ, देखिए अगर आप क्लिप दोबारा से देखेंगे, मैंने सवाल पूछना चाहता, अगर आप शेख रशीद को फोन करें, नाम निकल गया मुझसे, सही निकल, तो उन्होंने कहा और करें, और मेरा सवाल आखिर में ये था कि और वो उठाकर ये कहें, लेकिन वहां तक बात पहुंची नहीं, उन्होंने कहा अभी कर लेती हूँ। अब बताइए ना टीआरपी के लिए बंदा क्या करना क्या, भाई कर लो आप। सही है, जबरदस्त है, बिल्कुल सही है। अच्छा फेबिन, यू आर अ नर्स आल्सो, राइट? या
So you've left nursing and then you joined modeling. I have done my nursing from Ireland, Dublin, in 2011. ठीक है जबरदस्त. I have left because I moved to Pakistan. उसके बाद पाकिस्तान में ऐसा कोई स्कोप नहीं है. You know, it's actually not that nursing. It's a healthcare assistant because बाहर क्या होता है यूरोप में. I understand. हाँ. हाँ बाहर. वहाँ पे healthcare assistant is huge. Huge and highly paid. Yeah. Highly paid और बड़ा respect बहुत है. Respectful job है. पाकिस्तान वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं जो वहाँ की जेनरेशन होती है वो पेरेंट्स का जिंदगी भर तो ख्याल रखती नहीं है. ओल्ड होम्स में भेज देते हैं. ओल्ड होम्स में उनका ख्याल रखने के लिए उनके डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं अपरेटस होते हैं. हमें सिखाया जाता है कि वो जो ओल्ड एल्डरली जो हमारे पीपल हैं उनको किस तरह जो है उनके जो आखिरी जो वक्त है आपको उनका किस तरह ख्याल रखना है. बिकॉज ज़ाहिर है बीमारी तो उन्हीं दौरान आती है. और उस वक्त वो जो नर्स होती है या वो जो हेल्थ केयर असिस्टेंट होती है वो इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाती है कि वो डॉक्टर के साथ काम कर करके जो है वो डॉक्टर ही बन जाती है. हाँ. So you worked for I have worked at Saint Mary Nursing Home. अच्छा माशाल्लाह. Because वहाँ तो work experience भी जरूरी होता है. एक तो hospice भी होता है ना. hospice में भी काम करते हैं लोग जो बिल्कुल end वाले time पे होते हैं. हाँ नहीं मैंने actually study की थी वहाँ पे तो आपको पता है study के लिए work experience बहुत काम होता है. अच्छा तो शादी भी कर ली मतलब modeling शादी के बाद शुरू की. यार ये ताबिश कैसा क्या बात हुई भाई. ये क्या बात हुई एक्चुअली. ये क्या बात हुई यार. ये क्या बात हुई भाई. मेरा इरादा नहीं था. वहाँ पे मैंने अपनी नर्सिंग मजीद जो है अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया. लेकिन पाकिस्तान में जब मैं मूव हुई तो उसका कोई स्कोप नहीं दिखा मुझे. डिग्री को मैं स्कोप जो लगा कि मॉडलिंग का स्कोप है. मॉडलिंग नहीं 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 मॉडलिंग यहाँ बच्चे भी तो टेक केयर करते हैं ना माँ बाप की बहुत ज्यादा. तो ये नर्सिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है. हाँ, नहीं नर्सिंग है तो हम बच्चे हैं कंपटीशन असली इनका यहाँ पर प्रोफेशन बच्चे जो ये कर रहे हैं जैसे जो ये कर रहे हैं बच्चों को बहकाती होंगी मत करा करो ख्याल. इतना ख्याल करने की क्या जरूरत है. हम मर गए हैं क्या. ये बात भी सही है. ठीक है इसीलिए मैंने डिग्री हासिल की. बिल्कुल सही है. अच्छा ताबिश ये स्टैंड अप कॉमेडी और फिर कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए. ओवरऑल व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग. अच्छा ओवरऑल ऐसा है कि 2004 में मैंने पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट की जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था. ठीक है. तो वो पब्लिक स्पीकिंग का इस तरह स्कोप बन गया कि यूनिवर्सिटी को एक ह्यूमरस पब्लिक स्पीकर चाहिए था क्योंकि सीरियस तो सब होते हैं. ओके. बड़ी जो जोश से करते हैं. ह्यूमरस मिलते नहीं थे. और वर यू ऑलवेज लाइक दिस यानी ये कॉमेडी और ये था विट एक था. ठीक है स्कूल में हमेशा स्कूल के हद तक घर वाले समझते थे ये तो बोंगा सा बच्चा है इससे कुछ हो नहीं पा रहा. लेकिन स्कूल में एक अलग इमेज था. घर वाले भी जब स्कूल से शिकायतें आती थी तो वो सरप्राइज होते थे कि यार ये कर कैसे रहा है ये सब. ये तो घर में तो बिल्कुल सुन है ये. लेकिन वहाँ से स्कूल से ये शिकायतें आती थी भाई बहुत बोलता है भाई बहुत शरारती है. तो वो भी टीचर्स को शक की निगाह से देखते थे घर वाले के यार ये किसी और की बात तो नहीं हो रही किसी और को हमारा बच्चा तो नहीं समझ रहे. वहाँ से एक दोस्त यार इनक्रेज करते तो तू बहुत फिट है ये करते. फिर यूनिवर्सिटी में गए तो पब्लिक स्पीकिंग जो यूनिवर्सिटी खत्म हो गई तो उसकी एक्सटेंशन थी स्टैंड अप कॉमेडी वो करना शुरू कर दी. और फिर बस यही होता रहा. और ये जबरदस्त है. But so practically, it's been like more than 10 years that you're it's doing this. It's been more than 16, 17 years. Achha, mashallah. और ये पिछले साल ज़्यादा hype बनी है. हाँ, दो साल हो गए. या दो साल हुए हैं. तो वो क्या, किस तरह, क्या, how do you feel? I mean, did you know ये show करते हुए कि यार ये बड़ा click हो जाएगा या ऐसे randomly बस? थोड़ा सा ऐसा boastful सा लगेगा, लेकिन मैं जब हम ये record कर रहे थे, बैक इन 2018 दिसंबर हमने इसके पायलट शूट किए 6 एपिसोड्स सबूर के साथ हिना अल्ताफ के साथ जुनैद के साथ. बहुत अच्छे थे वो शोज. आई सॉ सबूर वाला एंड अनदर वेरी नाइस शोज. तो वो उसके जब वो हम रिकॉर्ड कर रहे थे ना तो जिनके साथ हम इंटरव्यूज कर रहे थे वो खुद बहुत एंजॉय कर रहे थे. उन्होंने कहा यार ये तो इस तरह तो कभी हुआ नहीं. अच्छा वो रिकॉर्ड होने के साल के एक साल के बाद रिलीज हुए थे वो. अच्छा व्हाई. एक प्रोजेक्ट बना लिया था तो उसके लिए स्पॉन्सर ढूंढ रहे थे कि बिके कुछ हो तभी तो काम चलेगा. तो इवेंचुअली वो एक साल के बाद रिलीज हुआ. जब वो अच्छा जब मैं यहाँ पे था जब वो मैंने शूट किए थे और मैं कनाडा मूव हो रहा था तो मैं ऑलरेडी मूव कर गया था. जब वो रिलीज हुए तो मैं वहाँ कनाडा में अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था गरीब की तरह. बर्फ में जा रहा था पैदल इधर उधर और वहां यहाँ में हिट होता चला जा रहा था. हाँ देखो यार ये कैसा किस्मत का खेल है यार. तो इवेंचुअली फिर वो सीजन वन यू हैव टू कम बैक फ्रॉम कनाडा. I keep coming. You wanted to? अच्छा, you still go there? हाँ, मैं तभी भी आया हुआ हूँ.
अच्छा, ये भाई पाकिस्तान में काम करके फिर जमा वामा करके वहां पे क्या, हां, वहां पे नौकरी कर रहा हूं मैं, वहां से भी लाता हूं, भेजता हूं, ऐसा नहीं है, खान साहब, खान साहब अगर आप देख रहे हैं, मैं सिर्फ लेके नहीं जा रहा हूं, ला भी रहा हूं, नाराज हो जाते हैं, पर्सनल ले लेते हैं यार, नए साल का शो अच्छी अच्छी बातें करिए, अच्छा, अच्छा तो फिर तो कनाडा से अब यू जस्ट कम हियर फॉर वर्क, रिकॉर्डिंग स्पेल्स किए, कुछ करके चले गए। दो बच्चे, सेट है, एक बीवी, ये दोनों एक ही बेगम से, तो एक बेगम, अच्छा, इंस्पिरेशन कौन है, कॉमेडी किससे, मतलब अच्छा इंस्पिरेशन कौन है कॉमेडी किससे मतलब यू आर इंस्पायर्ड व्हेन यू स्टार्टेड इस तरह का तो मुझे तो नहीं नजर आता इस तरह का किसी काम इंस्पिरेशन एक होती है बट हु डू यू लाइक एज अ कॉमेडियन अच्छा एक जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ही आपकी इंस्पिरेशन हो एट टाइम्स आपके आपकी अपनी पर्सनैलिटी आपकी इंस्पिरेशन होती है सिंस वेरी चाइल्डहुड ऐसा था कि मैं क्यों बता रहा हूँ ना घर के ऊपर मैं एक बड़ा अंडर कॉन्फिडेंस सा बच्चा था और अपने आप से ज़्यादा बातें करता था बहुत सारे लोग को जुमला कह जाते थे तो मेरे पास उसका जवाब होता था मगर देने का कॉन्फिडेंस शायद नहीं होता ओके तो वो जवाब ओवर द इयर्स जमा होते रहे ओके और आज निकल रहे हैं वाह वो लोग भुगत रहे हैं मुझे जिन्होंने कुछ किया भी नहीं था उस वक्त कॉन्फिडेंस अब आया है ना अच्छा फॉलो करती है शो देखती है इनका आता है क्योंकि ट्रेंडिंग ही उसकी इतनी होती है शेख रशीद तो सबसे पहले उस पे आते हैं इनके शो पे और मुझे लगता है अगर मैं गई वैसे पता नहीं दिल नहीं चाहता लेकिन क्योंकि ये देख लो ये डरती है आने से नहीं नहीं फैमिली से अपनी अच्छी बातचीत है आएंगी आएंगी वो शेख रशीद का क्यों सवाल हर शो पे शेख रशीद मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे अभी पूछ लूं नहीं पूछूंगी ना डरती है ना इस सवाल से नहीं, हाँ। सवाल से डरती मेरा क्या ताल्लुक शेख रशीद लेकिन अगर मैं पूछूंगा तो आप भी हाँ कर देंगी पता नहीं उस शख्स में क्या जादू है अच्छा जादू है मेरे शेख चलेगा ना वो जादू मुझ पे तो नहीं चलेगा वो जादू हाँ अब तो ये वो शादीशुदा है ना द बोट हैज ऑलरेडी सेल्ड हाँ ऑलरेडी सेड अच्छा फिर मुझे ये बताओ कि अभी स्क्रिप्ट कौन लिखता है कौन कर रहा होता है शो का मुझे ये बताओ थोड़ा अच्छा यकीन ऐसे ना आप भी आए शो में आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं है आपको कोई स्क्रिप्ट दी ना मेरे पास अक्सर वो मुझे इस बार तो चेंज ये था सीजन 3 में कि टैबलेट पे सवाल आ रहे थे स्क्रिप्ट के बगैर ज्यादा अच्छा हो जाता है ना ये तो तय बात है हाँ, अच्छा हो जाता है सही है तो स्क्रिप्ट होती है तो फिर यार वो वाला वर्ड वो वाला सेंटेंस नहीं बोला वो वाली लाइन नहीं बोली आपने इसको स्पॉन्टेनियस रखते हैं कुछ सवाल होते हैं उसके अराउंड फिर गेस्ट के जवाब से मैं फिर कुछ निकाल लेता हूं तो इट इज वहीं पे बैठे बैठे हां कंप्लीटली अनस्क्रिप्टेड और मजा भी अच्छा डज इज इट डिफिकल्ट टू यू फील द इंडस्ट्री पीपल आर डिफिकल्ट और वेरी इजी टू वर्क विद थोड़ा है आप भी आ रहे थे तो मैं डर रहा था कि यार मैं ऐसे सवाल पूछूंगा वो टीवी माइंड ना कर जाए हो सकता है जवाब ही ना दें और बहुत ही मीठे जवाब देंगे हाँ हाँ मैं सभी अच्छे हैं तो फिर वो शो बनता ही नहीं है ना फिर अच्छा लेकिन सियासी जवाब ऐसा ने बहुत सबके नाम ले लिए बहुत कंट्रोवर्शियल शो बना है भाई अल्लाह माफ करे अल्लाह वो नहीं जैसे ही बोल रहे हैं अब कि कोई देखे किसी देखा हो या ना देखा अब जरूर क्लिक करके देखो क्या बोला था अरीम शाह भूल जाएंगे लोग सही है क्या अच्छा आई वांट टू नो यानी नाउ यू आर गेटिंग वर्क ऑन टीवी और पहले यू वांट बिकॉज़ योर शो इज हिट ऑन डिजिटल राइट सो ये एक अजीब जर्नी है अजीब से मतलब कि थोड़ी आप ना चाहते भी वो लोग आपको अब बुला लेंगे राइट दे वुड वांट यू टू होस्ट देयर शो दे वुड टेक यू इन अ कमर्शियल नाउ कि यार ये बंदे का तो सोशल मीडिया बड़ा हिट जा रहा है लेकिन पहले जब आपने कभी ट्राई किया होगा तो यू ऑल एवरीवन यू नो गोज थ्रू दिस स्टेज आल्सो सो उस वो क्या स्टेज थी कभी ट्राई किया टेलीविजन पे शो करने का कभी शो बेच दूं कुछ कर लूं शो टीवी पे अच्छा हैरानगी की बात ये है हसन कि मेरी कोई स्ट्रगलिंग स्टोरी है नहीं है ठीक है मैं एक बहुत सीनियर पोजीशन पे यहां नौकरी कर रहा था जब मैं पाकिस्तान से गया हूं इज्जतदार मतलब नौकरी ये क्या काम शुरू कर दिया यार ऐसे ही बोल रहा हूँ यानी उससे भी ज्यादा इज्जत वाला काम है यार हाँ देखे ना तो कवर किया आपने लेकिन पॉलिटिकली राइट अच्छा खासा हलाल कमा रहा था अच्छा खासा तुम्हें क्या हो गया अल्लाह सही एक्सक्यूज मी अच्छा कहा भी था 14 दिन घर पे रहो मैं भी जल्दी में आ गया कनाडा से लेके ये नया वाला अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं सब कैमरा भाग के सब भाग के देखिए मैं एक अच्छी खासी जॉब कर रहा था और मैंने कभी खुद से ये नहीं किया था कि मैं किसी को रीच आउट करूं असफर अली को मैं बहुत अरसे से जानता था आई नो हिम सिंस 2008 डायरेक्टर या तो उनको उन्होंने एक टेलीफिल्म लिखनी थी 2008 में बारिश में दीवार जो बहुत चली भी उस जमाने में
उस वो डिबेटर्स के ऊपर थी, तो उन्होंने पूछा भाई लोगों से कि कौन डिबेटर चल रहा है इस वक्त मार्केट में गरम, राइट, तो मेरा नाम आया, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उनकी मैंने स्क्रिप्ट में उनके साथ लिखी वो बैठ के, ठीक है। अच्छा, वो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे दो तीन स्टैंड अप्स देखे, उन्होंने कहा यार मुझे तुम्हारे साथ शो बनाना है। ओके ओके। उस वक्त मैं अच्छी खासी नौकरी कर रहा था और मुझे कोई मशहूर होने का शौक ही नहीं था। अच्छा। तो मैं, उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कहा हाँ सर भाई कर लेंगे, और जिस दिन शो की बारी आई ना मैं कट गया, मैंने दोस्तों से चाय पीने जाना था, कुछ करना था, कुछ सस्ता काम करना था। अच्छा। तो वो मैंने नहीं किया। ओके। नाराज हो गए वो। ओके। और फिर हमारी उसके बाद इतनी खास कभी बात ही नहीं हुई, और हमारी बात हुई 2017 में, फिर 2017 में बात हुई और वो फिर स्टैंड अप में मिले। ओके। He didn't recognize me at that time. ओ। जारी बात है, बहुत बड़ा भी हो गया था मैं, अलग सा भी हो गया था, लेकिन फिर मैंने उन्हें याद दिलाया तो उन्हें एकदम से गुस्सा आ गया, अरे तुम वही हो। लेकिन फिर उन्होंने कहा यार अब तो कर लो, अब कर लो, अब कर लो, ठीक है। तो फिर कर लिया। तो एक्टिंग का शौक है, एक्टिंग। हाँ हाँ, सब। You want to act? You think you will be acting soon somewhere? असल में मेरे साथ एक थोड़ा सा एक लैकिंग है, वो ये है कि आई डोंट लिव हियर इन पाकिस्तान। एक्टिंग इज बहुत टाइम चाहिए, कमिटमेंट है बहुत ज्यादा। तो मैं वहाँ अभी कनाडा में भी नौकरी करता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं खुद भी थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ ये कमिटमेंट, डरता भी हूँ, ठीक है। और क्योंकि लोगों को पता भी है कनाडा में बना के खुद प्रोड्यूस कर लेना भाई, हुआ नहीं था तो मैं वापस आ गई थी, बिकॉज़ वहाँ पे यू नो उस वक्त काफी, यार देखो सारा प्लान नर्सिंग का बहाना था, आपको लगवाना पड़ेगा। अच्छा, एक्टिंग का शौक है? एक्टिंग का मुझे बहुत शौक है एक्चुअली। फिल्म में, टीवी पे, क्या किस तरह की एक्टिंग का शौक है? फिल्म में या टीवी पे? गेम की जनाब ब्रेक में लेना, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान, और हमारे पास बहुत सुपर टैलेंटेड आपके सामने हमारे प्यारे प्यारे सेलिब्रिटीज गेस्ट मौजूद हैं। एक दफा फिर हैप्पी बर्थडे यार। थैंक यू। मैंने कहा हैप्पी न्यू ईयर तो विश करेंगे आज, यार केक काटते हैं आज सेट पे, प्लीज केक मंगवाया, तबीश का केक काटेंगे, केक काट प्लीज, है ना? ठीक है, स्पेशल हो गया रे, फॉर अ चेंज केक कटे। हां, फॉर अ चेंज ठीक है। अच्छा, रैपिड फायर, वैसे तो हम लोग ये एक सेगमेंट होता है जोर का झटका, लेकिन अब आप दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। नहीं, मैं जानता हूँ, ये फहमीन अंसारी है। मैं जानती हूँ ये ताबिश। यार इतना नहीं जानते, यानी यहाँ पे कपल से बात है ना, तो वो फिर एक दूसरे से मुझे समझ नहीं आया, इनको मेरे साथ मतलब एक होता है या समझ तो मुझे भी नहीं आया, लेकिन मैंने बोला नहीं है, मैं इज्जत में खामोश हूँ। नहीं, मैं खुश हुई क्योंकि ये एक्चुअली बहुत स्पॉन्टेनियस है, इनकी कॉमेडी हर वक्त चलती है, तो मुझे एक्सप्रेशंस अपने होल्ड करने पड़े। सही कवर कर रही हैं, अच्छा कवर कर रही हैं। जो कहना था वो तो कह दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा इनको बुलाया क्यों। शुक्र करो यार। चले ठीक है, आगे बढ़ते जी। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपसे करते हैं, लेकिन ऐसा कि रैपिड फायर, वेरी बैड इन रैपिड फायर राउंड बाय द वे। इट्स नथिंग, नथिंग डिफिकल्ट, वेरी वेरी कैजुअल यार, डोंट वरी। मुझे नफरत है उस मॉडल से जो लेट आती हो शूट पर। अच्छा, आती है लेट? पंक्चुअल लेट आती हैं? लेट आती हैं। कौन? 5 बजे का। कौन? नहीं मतलब जो भी, जो भी 5 बजे का कॉल टाइम हो तो 10 बजे 11 बजे आएंगी। नहीं यार, मेरी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है, और आई एम अ वेरी पंक्चुअल पर्सन। आप मुझे सुबह 4 बजे बुलाएंगे तो आई विल बी देयर लाइक ऑन पॉइंट एट 4 AM। तो मैं अच्छी मार्केटिंग भी कर लेती अपनी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, जबरदस्त। अच्छा, मुझे नफरत है उस गेस्ट से जो सामने बैठा हो और वो ये कर रहा हो। मुश्किल सवाल है, जवाब दे दूंगा मैं, अचानक से निकल जाता है मेरे मुंह से, मुझे कंट्रोल करना पड़ा। This is what you call जो ये कर रहा हूं। मुझे नफरत तो नहीं है, लेकिन मुझे बुरा लगता है अगर गेस्ट आए और बैठे और फोन में बात करना शुरू कर दे पहले से। नहीं, शो पे भी अगर कोई गेस्ट आया हो ना, वो ऐसा होता है कि आ गए बैठ गए, शॉट रेडी, एक शॉट रेडी फॉर। हां, वो ऐसा भी होता है, पावर मूव्स होती हैं ये कि मुझे जरा अंडरमाइन कर दें थोड़ा सा।
अच्छा साइकोलॉजिकल, लेकिन बच्चू मुझे सब पता है ये यार जो डीलिफ्ट कराने का तरीका होता है यार, ये कहाँ से आते हैं तरीके? मुझे तो सालों में मैं नहीं सीख पाया। आप ऐसे में समझा दूंगा आपको, मुझे समझाने में आप चीट कोड दे दूंगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। मेरे नजदीक ताबिश एक बहुत अच्छे इंसान है, बिकॉज मैंने इनके साथ ट्रैवल किया है। अच्छा, हाँ, पीसा पे हम दोनों साथ ही थे। ठीक है, ठीक है। अक्सर लोग मुझे देख के ये सवाल जरूर पूछते हैं, 10 रुपए हैं आपके पास क्या? मुझे देख के सवाल पूछते हैं ना, मुझसे पूछे। हाँ, सवाल तो यही पूछे जा रहे हैं, 10 रुपए हैं भाई क्यों? उनको लगता है कि मेरे पास सिर्फ 10 रुपए ही होंगे। ठीक है, ओके। मैं शदीद गुस्से में ये करती हूँ, चुप हो जाती हूँ। अच्छा, बिकॉज गुस्से में बेहतर है कि आप चुप ही हो जाएं, बिकॉज मैं अगर गुस्से में आ जाऊं तो मेरा गुस्सा काफी बुरा होता है और वो अगर सामने वाले कुछ मुंह से निकल गया, जाहिर है बात वापस नहीं ली जाएगी। इससे बेहतर है कि आप यू जस्ट कीप क्वाइट। अगर मैं मॉर्निंग शो होस्ट बन जाऊं तो मैं सबसे पहले इस होस्ट को घर भेज के उसका शो ले लूंगा। निदा यासर को मैं आराम करें थोड़ा, इतने शो कर लिए, इतनी तो मॉर्निंग्स नहीं, इतने शो हो चुके हैं यार क्यों यार, क्या मतलब है यार मॉर्निंग? आप देखो उनका शो सबसे ज्यादा रेटिंग उठाता है, तभी तो मैं वो वाला शो करना चाहता हूँ। ऐसे सबसे ज्यादा रेटिंग उठाता है, मैं पहले से उन्होंने बेचारी ने इतनी मेहनत कर ली है, रेटिंग सेट हो चुकी है। ठीक है, अब मुझे कोई मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, वही लेगेसी कंटिन्यू करूंगा। अगर मैं सुबह सोकर उठी मैं मॉर्निंग शो होस्ट हुई तो मैं क्या करूंगी? मॉर्निंग शो पे जाऊंगी, नौकरी छोड़ दूंगी, क्या करोगी? तैयार होंगी। हाँ, ये देख कितने बजे? 4 बजे सुबह सुबह, जो भी कॉल टाइम होगा, I'll be there on time. On time. On time. Given time. अगर कोई बगैर बताए मेरे घर पे अचानक आ जाता तो मैं ये करता हूँ, दरवाजा खोल के सहता हूँ उनको, और क्या करता हूँ, निकाल तो नहीं सकता हूँ बगैर बताए, आ गए, आओ भाई आओ बैठो, अब ये करता हूँ सहता हूँ उन्हें। ठीक है, अपने शोहर से इस बात पर लड़ाई करती हूँ। अपने शोहर से क्या मतलब हुआ आपका? शोहर से बोलते तब भी यही जवाब देती हूँ। अपने शोहर से मैं अपने शोहर ऐसी चीज है जिससे बार बार लड़ाई की जाती है। ये देखो उसे इतना सोचे कि उसको ये याद ही नहीं कि कौन सी बात। मैं तो हर बात पे लड़ाई करती हूँ, हर बात पे लड़ाई करती हूँ भाई। ये तो उसी से पूछूंगा बेचारे से, फोन कर लेते हैं, फोन करके पूछ लेंगे। ठीक है, ये गेस्ट सबसे डिफिकल्ट गेस्ट थी या था? सबको पता है, ऑडियंस को पता है, मेल अच्छा? था फीमेल था? मेल में से। अच्छा, अच्छा? मुझे नहीं मालूम ऑनेस्टली। कोई बात नहीं हसन भाई, आप नहीं थे वो। ठीक है, कौन था यार, सब बता दो यार। फिरोज था। We have discussed in peace। फिरोज के साथ मुझे मालूम, he gave me tough time in a very positive way। अच्छा। हाँ, मुझे जरा लगा कि आज मुझे अपनी स्किल्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। अच्छा, क्यों? मतलब क्या? क्योंकि फिरोज, अच्छा होता ये है कि वो आई ट्रीट टू बी ऑनेस्ट एज अ गेम टू। Okay. सही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अनस्क्रिप्टेड है तो मनूवर्स करनी पड़ती हैं मुझे भी अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज में लाने के लिए। ठीक है, तो ही प्लेड रियली स्मार्ट, ही केप्ट द शो टू हिज स्वीट स्पॉट। अच्छा, तो मैं फिर उसी को कवर करने में लगा रहा, तो वो नहीं कर पाया जो मुझे करना था। इस लड़की के साथ शो करने में सबसे ज्यादा मजा आया? इस लड़की के साथ हैंड्स डाउन मुझे सबसे ज्यादा मजा जो है नादिया खान के साथ शो करने। अच्छा, यासर रिजवी के साथ भी आया वैसे। ओके। अब जब याद आ ही रहा है तो मंशा पाशा के साथ भी आया। इन सब के साथ बहुत मजा आया, जबरदस्त है। मैं इनके साथ काम जरूर करना चाहती हूँ। डिजाइनर, कुड बी डिजाइनर, फोटोग्राफर, एनीबॉडी यू वांट टू वर्क विद फ्रॉम पाकिस्तान, इट्स योर चॉइस। जब चेक कर रहे हो लड़की का एटीट्यूड, चेक कर रहे हो फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ कर लिया, इट शुड बी, इट कुड बी शनेल। वाह यार क्या बात है, मेरे लोकल फेवरेट डिजाइनर ये हैं। वेरी नाइस। ठीक है, एक ऐसा शख्स इस इंडस्ट्री में जिसने मुझे आगे आने में बहुत तंग किया हो? आगे आने में बहुत तंग किया हो? हाँ, नहीं किसी ने भी नहीं किया। They all have been really encouraging। हाँ, ये तो बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैं ठीक है, तो हमेशा ही सच बोलता हूँ, लेकिन किसी ने भी कभी भी मुझसे कोई नेगेटिव बात मेरे मुंह पे नहीं की। अनफॉर्चुनेटली होता ये कि ऑन बिहाफ ऑफ सम पीपल कुछ लोग आपको बोलते हैं यार वो तेरे बारे में ये कह रहा था, लेकिन आई डोंट टेक इट सीरियसली। जब तक मुझे खुद नहीं कहेंगे ना तब तक मैं यकीन नहीं करता। ठीक है, सब फैशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? फैशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी वीकनेस, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सच बोल दें आज वीकनेस है ही नहीं।
नहीं वीकनेस मुझे नहीं लगता कोई वीकनेस है, बिकॉज हमारी जो इंडस्ट्री है माशाल्लाह वो इतनी एक्सपेरिमेंटल है कि वो नेशनल और इंटरनेशनल जो भी ट्रेंड है उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई थिंक देयर इज नो वीकनेस। अच्छा माशाल्लाह पीसा अवार्ड जीती है लड़की, ये तो वो भी जीत सकती है मिस वर्ल्ड जिस तरह से ये पॉलिटिकली करेक्ट जवाब दे रही है। हमारी इंडस्ट्री माशाल्लाह टचवुड इतनी अच्छी है, बाकी सब तो झूठ बोलते हैं, मैं हूँ सच्ची। ये अच्छा नाम है ड्रामा, मैं हूँ सच्ची, मेरा आंसर इन्होंने दे दिया, सच्ची अंसारी नाम है मेरा। कोई लड़की मुझसे दोस्ती करना चाहती है, करीब आना चाहती है, तो मैं ये करता हूँ। ऐसा होता ही नहीं है जो मैं कुछ करूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ। खैर वही मैं सोच रही हूँ, ये कैसा सवाल है यार, असल में एक यार ये आज मैं ये मूड में ये आई है कॉमेडी, कॉमेडी ये कर रही है आज मेरे साथ होता है, ऐसे ही हो जाता है। ताबिश ये कॉमेडी नहीं, ये मेरे साथ है ना। मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि ऐसा लोग करें, लोग नहीं नहीं लोग समझते हैं कि बहुत ऐसा होता होगा, आती होंगी। मैं अपनी कई बार में अपने शोज में अपनी बेगम का, अपने बच्चों का इतनी बार जिक्र कर चुका हूँ कि मेरा कोई इम्तिहान भी नहीं ले रहा। फिर भी लोग इम्तिहान नहीं ले रहे, इम्तिहान कोई ये भी नहीं कह रहा कि मुझे मौका तो नहीं करने का भाई, मुझे मौका तो मैं कहूँ नहीं नहीं मैं शादी शुदा हूँ, देंगे लोग मौका छोड़े। ठीक है, सियासत में आने का मौका मिला तो मेरा इंतखाब निशान, इंतखाबी निशान ये होगा पेन। शेख रशीद का भी पेन है, आपको पता है ना ये वाला। अच्छा ये तो ये देखिए आप, ये देखिए आप, ओ ये कह रही थी मैं शेख रशीद का नाम नहीं लूंगी, मैं नहीं कहूंगी। मुझे सच में नहीं पता था, मुझे नहीं अभी पता चला है, देखा ना, लेकिन दिल से दिल को रहा है। सीक्रेट एडमायरर, सीक्रेट एडमायरर। मेरा इंतखाबी निशान क्या होगा सियासत में आऊंगा तो? मेरा इंतखाबी निशान एक जख्म होगा। जख्म? जख्म का निशान होगा। सोचो जख्म पे मोर लगाए, मेरे जख्मों पे नमक लगाए, जख्मों पे नमक लगाए, जख्म का निशान होगा, जख्मी है। ठीक है, फील्ड में आने से पहले मैं इनकी फैन थी। अच्छा सवाल। मैं HSY की बहुत बड़ी फैन थी। अच्छा थी तो अब नहीं? नहीं हूँ। अच्छा हूँ, मतलब जब मैंने तो कभी सोचा नहीं था मैं इस इंडस्ट्री में। मिस वर्ल्ड पेजेंट देख रहे हैं आप, मैंने एक्चुअली कभी सोचा नहीं था मैं मॉडलिंग में आ जाऊंगी, लेकिन मैं HSY, यू नो ही हैज सम काइंड ऑफ पर्सनालिटी, तो मुझे काफी पसंद। मुझे डर सिर्फ इस बात से लगता है पकड़ा ना जाऊं। किस चीज में पकड़ा जाऊं? बस अभी तो बोला मैं तो पकड़ा जाऊंगा, अभी तो मेरे कुछ नहीं करता। अच्छा, मुझे डर इस बात से लगता है कि देखिए खुशी इस बात की है कि अल्लाह मियां ने इतना सारा कुछ दिया है, लोग पहचानते भी हैं, ऐसा नहीं है कि गरीब हूँ, इस सब के छिन जाने से बहुत डर लगता है। हाँ ऑब्वियसली बड़ा डर है ये। ठीक है, मुझे कोई पूछेगा ना तो मैं बोलूँगा इज्जत, यानी इज्जत के छिन जाने, यही तो है सब, हाँ जो चीज़ मिल गई है उसके छिन जाने से डर लगता है। ठीक है, मेरी याददाश्त ऐसी है, अच्छी है, बुरी है, क्या है? थोड़ी कमजोर है। ठीक है, कमजोर है। अगर मुझे गुस्सा आता तो मैं ये करता हूँ, गुस्सा करता हूँ, बस गुस्सा, कैसे गुस्सा, क्या मतलब गुस्सा में क्या? अच्छा, मेरा गुस्सा 5 मिनट का होता है ऐसे, और बहुत स्ट्रांग, 5 मिनट से भी कम होता होगा मुझे लगता है, 2-3 मिनट का, 2-3 मिनट का गुस्सा होता है और वो बहुत शदीद हो जाता है एट टाइम्स, और मैं 2 मिनट बाद गुस्से में भी हंस पड़ता हूँ आखिर में, उसी क्लोजिंग हंसी पे होती है। ठीक है, शूटिंग पे अगर मेरे कपड़े कोई फाड़ दे, यानी इस्त्री विस्त्री करते हुए, शूटिंग है भाई, कपड़े कोई फाड़ दे यानी इस्त्री करते हुए, मेरी क्लियर किया, इस्त्री करते हुए, इस्त्री करते हैं या कोई, तो मेरा रिएक्शन ये होता है, कौन से कोई अपने होते हैं कपड़े? एग्जैक्टली, मुझे कुछ नहीं होगा, फर्क भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ वो कपड़े मेरे हैं ही नहीं। ठीक है, अगर मैं किसी खातून को इम्प्रेस करने के लिए गिफ्ट लूंगा तो वो ये होगा। मैंने बहुत कम गिफ्ट दिए हैं खवातीन को। अच्छा, अपनी बेगम को भी मैं क्रेडिट कार्ड दे देता हूँ। वाह, मुझे असल क्यों बजाया इस बात, क्रेडिट कार्ड तो दे दो। मैं दे देता हूँ, क्योंकि मैं शॉपिंग करने का बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ, मुझे बहुत ही वो होता है, बेचैनी सी होती है मॉल में जाके, तो मैं अपनी बेगम को कहता हूँ प्लीज ले लो, और ये हमारा पैक्ट साइंड है कि वो ये नहीं कहेगी नहीं लेकर आओ, एक फील आती है, एक अच्छा लगता है तुम कुछ लेकर आओगे, क्योंकि मैं हमेशा इतने बुरे गिफ्ट लाता हूँ, महंगे भी होते हैं मगर बेकार भी होते हैं। ठीक है, मेरा फेवरेट कार्टून कौन सा वाला? टॉम एंड जेरी। वाह यार, मेरा ओल्ड वर्जन। मेरा फेवरेट कार्टून कौन सा है? मेरा वो था वुडी वुड पैकर, एक जमाने में मैं उसकी तरह हंसता था। यस यस, नाइस।
बेगम से डर सिर्फ इस बात पे लगता है? मुझे बेगम से डर नहीं लगता। नहीं लगता बिल्कुल भी। मेरी बेगम नहीं डराती। शौहर से डर मुझे इस बात पे लगता है। मैं हस्बैंड से नहीं डरती। मेरा शौहर मुझसे इस बात पे डरता है कि मैं नाराज ना हो जाऊं। यार देखो, आपको उसकी नाराजगी से डर नहीं है? वो नाराज नहीं होते। वो नहीं होते, वो बहुत अच्छे हैं। क्या अजीम इंसान है यार, अजमत। आज हमारे दरमियान होते कितना खुश होते। इस तरह से इन्होंने बात की है, इसके ऊपर यही जुमला बन रहा है। हवाई जहाज में जा रहे हो और इन तीन लड़कियों में से किसी एक को धक्का देना, मतलब बाकियों को बचाना, एक को निकलना है, एक को निकालना है, निकालना है, तो वो कौन होगी? महविश हयात, नीलम मुनीर या माहिरा खान? रे भाई, मैं महविश को बोलूंगा हम साथ कूद जाते। okay. उनको तमगा इम्तियाज मिला है, क्या पता उन्हें बचाने नीचे लोग आ जाएं। सरकारी एसेट हैं वो। अच्छा, तमगा इम्तियाज मिला हुआ है, मुल्क का एक ऑनर है। ठीक है, नीलम मुनीर को लेके गया, पता चला कोई आए नहीं यार, इनको तो तमगा नहीं मिला हुआ। इनको नीलम की भी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। बचाने तीनों इतने बड़े नाम है लिखे हुए यार यहाँ पे, हम तो तीनों को बचाएंगे भाई। मुझे पता नहीं, मैं और महविश सब नीचे जा रहे हैं, हम खुद कूद जाएंगे और तीनों को बचाएंगे, ये सही है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, बचूंगा ही नहीं, तो फिर इनका फैन होने का फायदा क्या रहेगा? नहीं 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 नहीं, मैं बस, आप रेडी रहे, आप बच गई हैं। आप बच गई हैं। मुझे अगर मौका मिले तो मैं इनके साथ गाना पिक्चराइज कराना चाहूंगी, ठीक है? फवाद खान, हुमायूं सईद, जाहिद अहमद। फवाद खान पहले ही शक्ल पे ऐसे आ गया था। मैं भी फवाद खान के साथ गाना लिखा। अच्छे लगते हैं इसमें, क्या बुरी वो क्या करेंगे फिर, अगर आप आ गए उसमें वो क्या करेंगे? जरा उनको वो भी लगेगा, अरे ये भी आ गया। ओ, मैं इन तीनों में से इसका इंटरव्यू जरूर करना चाहता हूँ, फिरदौस आशिक अवान, शेख रशीद या फवाद चौधरी। शेख रशीद का करना चाहता हूँ, अवामी फरमाइश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। फिरदौस आशिक अवान भी बहुत इंटरेस्टिंग खातून है, बहुत इंटरेस्टिंग खातून है, उनका भी कर लेंगे, पर शेख साहब को निमट लें, शेख साहब से निमट लें। हाँ, आपने किसी एक का चूज करने को कहा था, ठीक है, फंसा रहे हैं आपको वैसे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं 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 नहीं, ये पॉलिटिशियन मेरा फेवरेट है, इन तीनों में से एक चूज करना है, बिलावल, मरियम नवाज या फवाद चौधरी। मरियम नवाज। मरियम नवाज, वाह यार, अच्छी बात है, अच्छी बात, जबरदस्त है। मुझे अगर मौका मिले, शक्ल में क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं वो लाइटिंग की वजह से डिस्को डिस्को फील हो रहा है मुझे, कि हम डिस्को में आए हुए आज। हाँ, आपको कैसा फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है? अच्छा, वो देखो चल रही। अच्छा, ताबिश को इतनी भूख लगी थी कि ताबिश ने कॉन्स्टेंटली पूरी ब्रेक में सिर्फ ट्रे को देखा है कि क्या है, केचप ज्यादा है, विंग्स कम है। अच्छा, ताबिश से शुरू करते हैं। ताबिश, खाएं ना यार, और व्हाइल वी टॉक यू हैव टू ईट। कांटे वाटे नहीं है क्या, मतलब वो फोर्क? नहीं नहीं, आप नहीं, हाथ से खाने यार। आप देखें, मैं दिखता नहीं हूँ, आई डोंट गिव अवे दिस इंप्रेशन, मगर मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड आदमी हूँ। अपने शो में तो नहीं लगता इतना सोफिस्टिकेटेड, पैसे के लिए करना पड़ता है ना ऐसे। वो तो ये क्या करना चाह रहे भाई, टिश्यू से खाना? अबे खा क्यों, ये देखो ना यार, बुरा सा लगता है यूं, देखा सही लग रहा है, ये ऐसे ही खाते सारे, देखो मिर्च ज्यादा बहुत मिर्च है भाई, नहीं इतनी ज्यादा नहीं है। सवाल तो पूछे आप यार, मिर्च कम है, मैं चाह रहा हूँ कि वो जरा अच्छी तरह खा लो। नहीं, मिर्चें हैं। अच्छा, सवाल ये है कि कहीं पे किसी ने ये बात की या आपके जहन में ये बात है कि उमर शरीफ साहब के जोक्स कॉपी करके बहुत सारे लोग नाम कमा लेते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मोइन साहब के साथ काम करने से या उनके जोक्स को फॉलो करने से उतना नाम नहीं कमाया जाएगा, क्या ऐसा लगता है आपको या ये किसी ने कहा आपको? नहीं, मुझे ऐसा ना मैंने कहा कभी, ठीक है ना, ये मुझे किसी ने कहा, ठीक है। पहली बात ये है कि
एक फैक्ट है ये कि आज भी आप देखेंगे हमारे बहुत सारे स्टेज के आर्टिस्ट को जिन्होंने उमर शरीफ साहब के साथ काम किया, इनफैक्ट बहुत सारे अपकमिंग कमेडियंस भी हैं जो आज तक उन्हीं के जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं. आज तक कमबैक्स उनके जो उनका वो था वो सारे उमर शरीफ साहब के जोक्स होते हैं. और वो क्योंकि इतने आइकॉनिक जुमले थे के वो अब ऐसा लगता है कि हमारी लैंग्वेज का पार्ट बन चुके हैं. ऑन दी अदर हैंड मुइन अख्तर साहब के बारे में एक ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि वो एक बार हमारी यूनिवर्सिटी आए थे एक कॉम्पिटिशन जज करने, उसका को जज मैं भी था. तो हम दोनों ने आखिर में परफॉर्म करना था, मैंने परफॉर्म किया तो उन्होंने मेरी भी तारीफ की और मुझे अपना नंबर दिया पर्सनल और कहा कि मेरे साथ आके काम करना. उस वक्त मेरी उम्र होगी कोई 22-23 साल. तो मुझे यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा, बड़े बुजुर्ग थे, कि बेटा वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उनकी मिसाल एक बरगद के दरख्त जैसी है. सही. और बरगद का दरख्त क्योंकि बहुत घना होता है ना तो उसके नीचे नहीं निकलते पौधे. ओ वाह वाह वाह. तो तुम चले तो जाओगे मगर क्योंकि तुम उनके साथ काम करोगे वो अपनी पीक पर हैं. तो तुम्हें कुछ अपने साथ छोटा ही रोल देंगे, अपने से बड़ा रोल तो नहीं देंगे. तो जब उनके साथ तुम वो काम करोगे हो सकता है तुम बहुत अच्छा कर दो. तो लोग तुम्हें पहचानेंगे यार ये वही लड़का है जो मीन अख्तर का नौकर बनता है, ये वही लड़का है जो मीन अख्तर का असिस्टेंट बनता है. तो तुम वो कैरेक्टर में हमेशा के लिए बंद हो जाओगे. अच्छा अच्छा अच्छा. तो मुझे उस वक्त वो एडवाइस बड़ी वाइज लगी. सही. और ये बदकिस्मती भी है कि उस एडवाइस की वजह से मैं कभी मिल नहीं पाया जबकि दो गलियां छोड़ के रहते थे. ओ अच्छा अच्छा. वो लेजेंडरी दोनों हमारे यहाँ पाकिस्तान एक ही जगह रहते थे. नहीं नहीं मैं उमर साहब और मोइन अख्तर की बात कर रहा हूँ भाई. मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ. आपने कहा एक ही जगह तो लेजेंडरी अपने आप. अच्छा यार अच्छा समझ लिया तो क्या हो गया. चलो सर हाँ इंशाल्लाह बोलो ना इंशाल्लाह. हाँ व्हाई नॉट यार व्हाई नॉट. अच्छा जी फहीम नहीं फहमीन. फहमीन इनकी बारे में ठीक है. इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं होता ये स्टेटमेंट दिया था तो क्या ख्याल है कोई दोस्त नहीं है इंडस्ट्री में? देखें दोस्त तो हर कोई है लेकिन बेहतर ये है कि आप अपना माइंड यूज़ करें. 10 लोग आपको 10 बातें बोलेंगे लेकिन करें वही जो आपको सही लगता है. अच्छा ठीक है. खा लो बाइट ले लो आप. अच्छा फिर बाइट ले लो आप. आगे तो आई थिंक सुने सबकी जिसका मशवरा आपको लगे ठीक है. जिसका मशवरा नहीं मतलब बेस्ट फ्रेंड्स भी तो होते हैं इंडस्ट्री में. नहीं होते कोई दोस्त नहीं होता किसी का. दोस्त होता है बेस्ट फ्रेंड. कोई मॉडल है बेस्ट फ्रेंड सब दोस्त है. बेस्ट कोई नहीं है. बहुत पॉलिटिकली करेक्ट है ये लड़की भाई बहुत ज्यादा. कोई डिजाइनर है बेस्ट फ्रेंड. डिजाइनर बहुत है मेरे. डिजाइनर्स आई थिंक इतने स्वीट है वो इतने आप बिकॉज वो कॉम्पिटिशन लेवल नहीं है ना हमारा. यानी जिनसे कॉम्पिटिशन है वो दोस्त नहीं हो सकते. दोस्त हो सकते हैं बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते. यार कुछ समझ नहीं लगी. लड़की मिर्चों में बहुत बिजी हो चुकी है. मुझे बातों की समझ तभी इन्होंने मिर्चें आई थोड़ी समझ फिर गुजर गई. मिर्चें चढ़ गई. मैं लगा आज क्या हो रहा है यार. मैं समझा आज क्या हो रहा है. ठीक है. बच्चों को सुनाई जाने वाली खा ना भाई. बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियां बदलनी चाहिए. ये किन कहानियों की बात कर रहे थे? सिंड्रेला और ये रुपंजल स्नो वाइट टाइप कहानियां. ये बदले वजह एक तो ये कहानियां लिखी थी आज से कोई 300 साल पहले ग्रिम ब्रदर्स ने. ग्रिम मतलब ग्रिम का मतलब ही इंटेंस संगीन होता है. और वो दोनों भाई थे ग्रिम ब्रदर्स. लेकिन आपको पता है ओरिजिनल स्टोरीज ये चेंज्ड हैं. इनकी बात कर रहा हूं. इन्होंने ओरिजिनल लिखी थी ना. नहीं मैं आपको ये बता रहा हूं जो अभी हम सुनते हैं इनमें चेंजेस हैं काफी. हां बट एनीवे अच्छा है. अच्छे बेहतर चेंज हैं. हां वो और बुरी थी. हां बहुत मिर्चा भाई. ठीक है जी. इंस्टा पर ये कैप्शन दी थी फहमीन ने कि मोस्ट ऑफ द टाइम अरे फ्रेंड आई एम फ्रेंडली बट आई एम नॉट योर फ्रेंड. वाह ये एक्चुअली कोई मैसेज नहीं है. हाँ. ये जस्ट अ कैप्शन है कि भाई यू नो एक पिक्चर ऐसी थी वो कि काफ़ी सारी ज़्यादा एडिटोरियल थी और वो काफ़ी जो है वो सीरियस पिक्चर थी. उस पिक्चर को देखते हुए सीरियस से क्या मतलब सीरियस पिक्चर? आपने अगर पिक्चर देखी होगी इसमें जो मैंने डाली है उस पर ये कैप्शन है तो वो एडिटोरियल था. एडिटोरियल इज ऑलवेज यू आर यू नो पासिंग एनी मैसेजेस. ओके तो आप मैसेज जब पास कर रहे थे तो उस पर आप कोई भी वो काफी इंटेंस शूट था मेरा. जिस तरह हम लड़के नहीं होते यूं तस्वीर यूं वाली शेयर करते हैं यूं वाली और उसके नीचे लिखते हैं आई वॉक इन रेन सो दैट पीपल डू नॉट नो दैट आई एम क्राइंग. वही वाला उसी तरह. अच्छा तो ये कोई सोच नहीं है एक रैंडम आपका. नहीं बिल्कुल ठीक है. यू डोंट मीन इट इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट. भरमबाजी. भरमबाजी ये लव्स भरमबाजी ये लव्स निकालता ना ऐसा ये कराची बॉय जो है ऐसे से लव्स निकालता. भरमबाजी भरमबाजी ठीक है जी. कहाँ गया
खाइए। अच्छा खाऊं? खाओ ना यार, अगला वाला दूसरा भी खा ले, पहला खत्म कर। देखो खत्म ही नहीं कर रहे यार, कौन अरे भाई तो, ये तो खाना पड़ेगा। और डबल डबल मिर्चें डाल दी है, अभी पता नहीं चलेंगी। कब पता चलेगी? सबको पता है कब पता चलेंगी। सुबह सुबह आवाज आएंगी घर से, अरे एहसान क्या कर दिया, क्या कर दिया। ठीक है जी, अभी किसी शो पर एक सवाल मायरा खान के लिए बनाया हुआ था उनके एक्सप्रेशंस को लेके, वो क्या था? पहले तो मैं मायरा आपसे कहूंगा सिर्फ मजाक है, इन चीजों इन बातों में नहीं आना कभी आप। किन बात, ये मेरी तरफ इशारा किया, किन बातों में? तेरे सवाल मायरा जानती है, लवर वो जानती है। मेरा भी ऐसी सेम फीलिंग्स है। सवाल ये था और ये बिल्कुल मजाक में गुड फन भैया, वो ये था कि इन गुड ह्यूमर के मायरा, मायरा को देख रहा हूं मैं, मायरा आपके एक्सप्रेशंस बहुत मशहूर हैं, देती क्यों नहीं है? ये क्या सवाल है? खाओ मिर्च, इसको तो मैं डबल मिर्च खिलाऊंगा। सवाल ये डबल, ये मिर्च, मिर्च पता कैसी खानी पड़ेगी ताबिश, ये खानी, अरे भाई ये जो अभी बोला है ना उसके लिए मिर्च खानी पड़ेगी। ये मायरा बहुत खुश होगी ये देख के। मैं मजाक कर रहा हूँ मायरा, ये तो ऐसा, ये तो भाई मतलब इससे तो जुल्म जुल्म हो गया। ठीक है ना। अच्छा जी, अगला सवाल फहमीन से ये है, फैशन वीक्स में अक्सर एक्ट्रेसेस को मॉडलिंग के लिए चुन लिया जाता है, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो फील के शायद बहुत सी एक्ट्रेसेस के लिए प्रैक्टिस नहीं होती, उनके लिए मुश्किल काम भी होता है और मॉडल्स के लिए इतना मुश्किल नहीं होता। Is that true? It is true because हम लोग ज़ाहिर है एक फैशन शो जो हो रहा था, एक शो स्टॉपर जैसे सेलिब्रिटी है वो एक शो के लिए आएगी। हम लोग एक दिन में 10 शो कर रहे होते हैं ऑन द स्पॉट, तो हम लोग को प्रैक्टिस होती है और उनका इसमें, अगर उनकी वॉक सही नहीं है कुछ नहीं है, इसमें उनका कोई कसूर नहीं होता, उनका काम एक्टिंग है, हमारा काम मॉडलिंग है, तो जिसका जो काम है वो अपने काम से काम रखें लोग। हाँ, अपने काम से काम रखें। अच्छा, उन्होंने बोला और आपने इंडोर्स भी किया? हाँ, नहीं ये सही तो क्या? कभी किसी को नोटिस किया कि वो सही नहीं चल पा रही, थोड़ा मुश्किल भी हो रही है इन अ गुड वे आल्सो? नहीं, मैं एक बात बताऊं, हिरा मानी ने एक दिन काफी जो है हमें इनकरेज किया था, बिकॉज़ उनको एक आउटफिट मिला था और वो इतना हैवी नहीं था। मैंने, मुझे याद है, मैं एक शो के लिए शो स्टॉपर थी एंड इट वाज फॉर फ्रॉम सना सफीनास और उसका जो वजन था वो 35 kg का था। ओह माय गॉड, उस पे वॉक करना और फिर हेड रैंप पे जाना, फिर बड़ी सी लंबी टेल है यहाँ से वहां तक, उसको फिर घुमा के लेके जाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, और फिर वेल है आपके ऊपर। तो उस हिरा मानी ने हमें काफी जो अप्रिशिएट किया था कि मॉडल्स जो है ना ये बड़े अच्छे तरीके से करती हैं, मैंने एक आउटफिट पहना है, सिर्फ एक आउटफिट, और वो काफी जो है उनकी वॉक सही नहीं हो पाई थी उसमें, तो वो हमें अप्रिशिएट कर रही थी। ओके, ठीक है, ओके जी, खाना भाई वो वाला खाओ जो बदले में खिलाना है मैंने। अच्छा, मैं खा लेता हूँ। अरे सॉरी महरा, मैं नहीं, मजाक कर रहा था भाई। पांच ऐसे, अच्छा पांच ऐसे सवालात करने जो इन सेलिब्रिटी से करना चाहोगे, ठीक है? उसको जवाब दे दो। आमिर लियाकत, हाँ, क्या सवाल करना चाहते हैं आमिर भाई? क्यों? बस वो खुद समझ जाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे वो, बल्कि जवाब दे चुके हैं वो। तू क्यों? तू क्यों? तू क्यों? ओहो ओहो, नादिया खान, नादिया खान से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और फिर कब? और फिर कब? हाँ नहीं, फिर कब? और नहीं, फिर कब? फिर कब? हाँ, वो खुद समझ जाएंगे। मैं ऐसे डिस्क्रीट सवाल पूछना चाहता हूँ लोगों से, सबसे एक छुपे मेरे सबसे पर्सनल ताल्लुक। ठीक है, जावेद शेख बोलो। सर मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि आपको नहीं पता। क्या समझ जाएंगे लोग? अच्छा, लोग समझ जाएंगे। ठीक है, फिरोज खान, फिरोज खान के साथ मैं दोबारा एपिसोड करना चाहूंगा। हमारी हमारी अभी पीसा पे मुलाकात हुई और हमने डिसाइड किया है कि हम एक और बार करेंगे, दोबारा करेंगे। अच्छा सा, यासिर हुसैन, यार आप मसला बताऊं क्या है, इन सबसे इतनी अच्छी बातचीत हो गई एहसन भाई, तो इनको कुछ नहीं कहना चाहते? यासिर भाई को मैं कहना चाहता हूं, सवाल कर लो ना कोई। यासिर भाई आ रहे हैं ना, आपने वादा किया था यार। अच्छा, हैरानगी की बात ये है कि आई यूज्ड टू थिंक कि ही इज ओल्डर देन मी, टर्न्स आउट कि आई एम 2 इयर्स ओल्डर देन हिम। अच्छा, अब यासिर हैं आज से, आप मुझे ताबिश भाई कहा कर रहे हैं? यासिर इमाम, इमाम ताबिश इमाम के नाम से मशहूर हूं। शाइस्ता लोधी,
शायस्ता से पूछना चाहता हूँ, शायस्ता यार ये नाक थोड़ी सी मेरी यहाँ से यूं ऐसा कट मारती भी आ रही है, तो कितना बन जाएगा इसके, इसमें कितने में हो जाएगा काम? कितने में हो जाएगा? कितने में? साहिर लोधी नाम तो सुना होगा, ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है जरा, वेरी नाइस, वेरी गुड। मैं क्यों करूं पाकिस्तान के काम, मैं क्यों सड़क पर कचरा ना फेंकूं और कचरा साफ करूं, ये क्या बोला था? मैंने ये नहीं कहा था। फिर क्या कहा था? ये खाते में बताया। मैं बताऊंगा कि होस्ट ने मुझसे पूछा आप क्यों नहीं सड़क साफ करते, आप क्यों नहीं करते? मैंने कहा मैं क्यों करूं मैं, मेरा एज अ शहरी काम है टैक्स देना, और मेरा ऐसा शहरी काम है कि अपने हुक्मरानों को इलेक्ट करना। इसके अलावा जितने भी काम है ना इस मुल्क में, जिस जिसका जो काम, यानी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है हम करें, गन ना फैलाएं, लेकिन उठाना तो हमारा काम, अच्छा हमारा काम नहीं है कचरा भी साफ करें, हम ही आवाम भी हम ही बने, बिजली का बिल भी हम ही दें, टैक्स भी हम ही दें, और सड़क भी हम ही साफ कर लें, तो आप क्या करेंगे भाई? आपसे बात कर रहा हूँ मैं, टैक्स पूरा ले रहे हैं आप लोग। अच्छी बात, टैक्स पूरा ले रहे हैं। अब तो गैस वैस भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा है सर, मैं तो फूकों पे चूल्हा जला रहा हूँ, फूकों से लकड़ी पे, वो पुराने से लकड़ी जलाते, ये वो वाली हाल। वैसे वाकई प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बहुत प्रॉब्लम है, बिल्कुल कच्चे पराठे खा रहे हैं हम लोग, कच्चे पराठे, कच्चे पराठे खा रहे हैं। जनाब आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट गेम की जाने में, हमारे साथ रहिए, ब्रेक लेंगे, देखते रहिए टाइम आउट विद हसन खान। वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। हमारा सेगमेंट है छुट्टी बंद, जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस किए जाएंगे, जो यकीनन मुझे 100% अंदाजा कि इनको पक्के पक्के आते होंगे सारे, मतलब इतने माशाल्लाह लाइक फाइक लोग बुला लिए। मैंने बोला था मुश्किल सवाल करो, थैंक यू, इतने आसान क्वेश्चंस, लेकिन अगर गलती से किसी सवाल का जवाब नहीं आता होगा तो फिर आपको करना ही होगा कि कोई नंबर चूज करना होगा, ठीक है, फिर उसमें कुछ लिखा हुआ है, सही है, वो हमारे ट्रेजर बॉक्स में है, वो ट्रेजर बॉक्स से निकलेगा और वो आपका हो जाएगा। मैं ले जा सकता हूं उसे? नहीं, आप ले जा भी सकते हैं, अगर आपका दिल करे तो जरूर ले जाएगा, लेकिन उसको पहनना होगा। ले जाएगा, अब मैं पहले देख के डिसाइड करूंगा। हाँ, देख के डिसाइड। पहला सवाल पूछें, रेडी है? पहला सवाल, पहले जवाब देना है, क्विक आंसर, क्विक रिप्लाई, बजर राउंड है। हाँ, तकरीबन यही समझ, मुंह से बजर बजाना, दोनों में, और दोनों को, अगर आपने सही जवाब पहले दे दिया और इन्होंने बाद में सही जवाब दिया तो आपका गलत माना जाएगा। आप दोनों तो इंस्टेंट है ना, चलें, रेडी। पहला सवाल ये है, अ चेस बोर्ड हैज हाउ मेनी स्क्वायर्स, 52, 45 या 64? आपने कहा 54 तो ऑप्शन नहीं है बीबी। ओ सॉरी, चलो 45। 64 इज द राइट आंसर, लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं बहुत अच्छी चेस खेलता हूँ, इसलिए मुझे पता है, I'm sorry. यार हमें भी सिखा, मुझे अच्छी नहीं आती। मैं भी सिखाता हूँ। हाँ, चूज करें। ताबिश चूज करेगा, नहीं वहीं बैठो। ताबिश चूज करेगा। मैं आपको बहुत अच्छी चीज दूंगा। आप एक काम करें। आप नाइन। बेस्ट जो इस बॉक्स में चीज होती है ना, वो है। इससे मुंह निकाल के दिए। बेस्ट क्या है ये? तो शाइस्ता भाई लोधी की क्लिनिक से आई है क्या? काफी परफेक्ट है भी मुझे। ये कहां से आई? अल्लाह, क्या ये तो लगानी पड़ेगी। अरे वाह वाह यार, वाह, फिट बैठी है। महंगा काम लग रहा है। आजकल कॉमन है नाक बाग की सर्जरी कराने, क्या हो गया? और वो भी लगवाया आपने, मोल भी लगवाया आपने, ये महंगा लगा होगा। ये यहाँ का लोकल काम ही लग रहा है, ये शायस्ता का नहीं है। अच्छा, लोकल पे शायस्ता याद आया। ये कौन डॉक्टर का नाम है? ना खुदा डॉक्टर। अच्छा, आप ये जानते हैं, आप भी जानते हैं उनको? ये नहीं जानते होंगे मुझे। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये नाक बीच में आ रही है। अगला सवाल ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट हैज नो डेजर्ट? यूरोप, नॉर्थ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? पहले बोला यूरोप, बोला मैं, दोनों ने साथ बोला। दिखाइए सही जवाब। ऑब्वियसली यूरोप, पहले किसने बोला? वैसे तो देखें, बात सुने, मैं पहले बोल गया था, मगर मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ, तो क्योंकि नहीं, ठीक है, विन। उसे तमीज बांधी, मुझे बिल्कुल वो चाहिए ही नहीं। मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हूं, मैं बड़ा कंपेटिटिव हूं, इसलिए मैं अड़ा रहूंगा कि मैं नहीं पहले जाऊंगा। अच्छा, डिफीट नहीं किया इन्होंने, मैं समझी दे रही हूं। चूज करो, चूज करो,
करो, चूज करो, चूज कर दिया मेरे लिए। चले ये लगा रहेगा। क्या लिखा? ब्राइडल दुपट्टा। इतनी बदसूरत दुल्हन आती है। इतनी बड़। ये गलत जगह निकला है। पहली दुल्हन में घूंघट से भी नाक बाहर आ रही है। बल्कि दुपट्टा नाक पे सेट किया उन्होंने घर में। अच्छा, क्योंकि इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। सवाल देखना, अगला सवाल गौर से। पाकिस्तान's फर्स्ट कॉइन वाज इशूड इन ईयर 48, 49 या 50? 50 1950 बोला है मैंने। हाँ सही है, 50 कह रहा था मैं भी, लेकिन मुझे 1949 लग रहा है। अच्छा आप 48 लग रहा है। मुझे 48 लग रहा है। वैसे फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी पे आया था पाकिस्तान की। तो आपने कहा 48, आपने कहा इन्होंने 50 का। वैसे हाँ मैंने 50 का। सही जवाब है यार 35 रुपए। ये डिब्बा पहन लो पूरा एक साथ ही। जमीन भाई इनको भी तो कुछ पहना है ना। ये पहली दुल्हन होंगे जिनको मेहर के बजाय जहर दिया जाएगा। अरे ये क्या है जहर तो इसे। भाई उसका दिमाग थोड़ा सा उस तरफ नहीं चल रहा, कहीं और भी चल रहा है उसका दिमाग। मैं बहुत वो इधर उधर देख रहा है कि लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है जब सवाल के जवाब पे। कौन से लोग हैं? बस किसी रिएक्शन दिया होगा ना एक उल्टा सीधा। मेरे यहाँ प्लांटेड लोग बैठे हैं। चूज कीजिए। मैं चूज करके देता हूँ। मैं बहुत अच्छा आसान। देखो अभी नाक पहनवाई आपको। 10 मुझे इन पे डाउट है। नहीं मुझे नहीं पता। हाय थैंक यू। वाह यार। अगला सवाल ये है। USA consists of this many states? 52, 50 या 54? 52 है बताए ना। 52 नहीं 50 52 यूजर 50 यूजर 52 मैंने 52 का है। ठीक है सही जवाब है। ऐसा तुक्का था। मैं अच्छा हुआ आप जीत गई। मैं उनमें से किसी स्टेट को भी नहीं, दो स्टेट्स को मैं मानता ही नहीं। अच्छा मुझे कह रहे 58 जो उसमें है ही नहीं। 52 कह रहा था मैं। 58 बोल रहे थे आप। उसे 52 बोला था। अच्छा हाँ हाँ जी। फिर मैंने बोली मुझे 7 दे दे। नंबर 7। अच्छा यार है ना। मुझे चूज करना चाहिए था वैसे। नहीं आपने दुपट्टा खुद चूज किया। नहीं मुझे और मैंने वापस आपने दो दफा। हाँ नहीं वापस मैंने मेरी किस्मत भाई। अच्छा, मेरी दो दफा आपने दो दफा हमारी आई। आपने दो दफा चूज किया ना। मैंने अरे अरे खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं ढोलकी का म्यूजिक क्यों बजा रहे हैं वो लोग यार। ये पहनते कैसे हैं? ये मैं नाराज हूँ यार। उसका भी तो दिल कर रहा था कि वो चूज कर दी तुम्हारे लिए यार। अगले मैं आप गलत जवाब आप गलत देंगे तब ना। आप गलत दूंगा मैं। अगला सवाल ये है। Which of these plants open its mouth when the insect sits on its lid? Pitcher plant. I'm a medical student. Brassica plant. मैं जो पढ़ता ही नहीं हूँ। Pitcher. किसने कब मुंह खोला? मुझे क्या पता इन चीजों का? अब जब इन्होंने pitcher plant कही दिया है, तो अगर वो सही भी होगा, तो बाद में कहने का फायदा नहीं है, तो मैं brassica कह दूँगा। सही जवाब है। बाहर में गया वो? Pitcher plant. करें अब choose करें। Number choose करो। नंबर 1। थैंक यू। इसमें सबसे गंदी चीज निकलेगी, सहरा निकलेगा और बात मुकम्मल हो जाएगी। थैंक यू। अब बैठे बैठे पहला सकता था। Woo!
Pirates and the Caribbean and एक सेकंड Old Answer. लग रहा हूँ ना साहिर लोधी. दोनों भाई बहन को बड़ा याद कर रहे हैं. मैं तो क्या करूँ, दोनों मेरे फेवरेट हैं. मेरे भी. अगला सवाल ये है. How many millimeters are there in 10 centimeters? 150 या 10? She said 100, you said? 100 ही है. दिखाइए जी सही जवाब क्या है. इसका दिखाने क्या जरूरत है. पहले किसे बोला? मैंने. मैं भरम में रह गया कि इतना आसान सवाल बोल गए इतनी देर में. वो चूज करेंगे? अरे करें, चूज करें, बोले. 5. क्या है, क्या है? कुछ तो है, एक्सप्रेशंस बता रहे हैं एसन के. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड. इस पे पिक्चर होगी प्लीज. दाढ़ी है ना, टोपी क्यों उतार दी? पहनो. अगला सवाल ये है. द सैटर्न रिंग्स वर डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो. रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं, रॉबर्ट ब्राउन. यू सेड गैलीलियो. सिर्फ नाम आपको उसका पता है इसलिए आपने गैलीलियो कहा, वरना रॉबर्ट ब्राउन है. अच्छा भाई, आप सही हो. सही जवाब है. मुझे कह रहे सही जवाब वो है जो इन्होंने दिया. मतलब ताबिश क्या लगा गैलीलियो ने? यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो. उसको पहली बेचारी का नाम दो ना यार. वो शी इज अ सुपर मॉडल. हां पर सुपर है नहीं है, लेकिन मॉडल बहुत बढ़िया है. तो उसको अब नाक पहना दी, दुपट्टा पहना दिया. पीसा अवार्ड विनर भी है. पीसा अवार्ड. मैं अपना सहरा खोल लूंगा. और फिर नया साल है आज. नया साल, मेरी सालगिरह. सालगिरह है मेरी. सालगिरह तो सालगिरह पे दयालु हुए हैं भाई. ठीक है, अजीब सा ही हुआ वो. मैं तो चुन ले अपना. क्या चुनूं? दो नंबर दे आप मुझे. कुछ है दो नंबर? दो नंबर नहीं, आप मुझे दो नंबर. मैं खुद पढ़ूंगा यार, अपनी मौत का समा मैं खुद करूंगा. पिंक स्टार क्लासेस. अरे क्या हो रहा है यार. अरे म्यूजिक बंद करो. अच्छा खासा स्ट्रिप हटानी आपका फेस नहीं इसको आप वो कहते ना लोग, यार मेरा विजन बहुत ब्रॉड है. छोटा विजन नहीं है मेरा यार, बहुत ब्रॉड विजन है इस मुल्क के बारे में. मेरा विजन बहुत ब्रॉड है. तबश कैसा महसूस हो रहा है इतनी जबरदस्त चीजें पहन के? क्या फील कर रहे हैं आप इस वक्त? भाई मैं तो कबाड़ खाना लग रहा हूँ. क्या ये देख रहे हैं आप? ये क्या है ये मेरा? इसको मेरी 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 वो क्या कहते हैं वो कॉकरोच की क्या होती है? कहाँ चली गई? हाँ चलें भाई. अगला सवाल. और भी सवाल है क्या? हाँ. मेरे मुंह पे चाइना कटिंग करनी पड़ेगी, प्लॉट तो सारी पब्लिक है. अगला सवाल. द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन सिटी इज आप बता. डमास्कस है. डमास्कस मैंने पहले बोला. भाई इन्होंने बोला डमास्कस. मैंने कौन सा कश्मीर बोला? डमास्कस ही बोला भाई. बोला ही नहीं. अरे बोला है मेरे. अरे मेरी दाढ़ी में कहीं फंस गया होगा. ये डमास्कस निकला कि देखो ये रहा. मैंने बोला है डमास्कस. सही जवाब. चूज करो. मैं चूज करूंगा आपके लिए. ठीक है, इनको 34 नंबर दें. ओह सॉरी, तीन नंबर देने. साथ में लिखे थे मैसेंजर दो. ये एक ही नंबर है. अब विजन ब्रॉड हो गया ना. इतना बड़ा चश्मा पहना हुआ हूं. कौन सा? तू तीन. जरा उधर मुंह करे, नाक आ रही है, बार बार लग रही है. शाइस्ता ने कहा सिर्फ ये कहां जाएगा? ये जाएगा आएगा. ये दुल्हन दुल्हन वो गाने भूल गए. अच्छा खासा सूट पहन के आए थे यार. अच्छा अपने आप को इतना हैंडसम. और आप ये आप मॉडल बनी घूम रही थी यहाँ. दो मेकअप आर्टिस्ट लाई हैं आप साथ.
ये हाल में बैठी है इतनी नाक लगा के, क्या फायदा हुआ इन दोनों का जो आए थे इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट? मेरी तो नाक कट गई ना, कट कहाँ गई, बढ़ गई, तो पहली बार हुआ है नाक बढ़ रही है। ओके जी, अगला सवाल ये है बहुत आसान, हु बिल्ट बादशाही मस्जिद? मैं नहीं बता रहा भाई, बाबर, बाबर, हुमायूं या औरंगजेब? केएमसी वालों ने बनाई होगी भाई, हमें नहीं पता, हमने हम इन चीजों में नहीं पढ़ते। मैंने तो तुक्का लिया है। क्या जवाब है? आई थिंक बाबर। मैं हुमायूं ने बनाई होगी। इस नॉलेज का क्या फायदा भाई? यू सेड हुमायूं एंड यू सेड बाबर। बाबर सही जवाब है। मुझे देखिए बात सुने, मस्जिद का काम है वहां पे जाके नमाज पढ़ी जाए, उसके बिल्डर कौन थे से क्या फर्क पड़ता है? सही बात है, कौन था बिल्डर हमें क्या पता भाई। ठीक है, लेकिन औरंगजेब साहब ने, थैंक यू औरंगजेब सर। ठीक है, अब अगला सवाल करेंगे और फैसला हो जाएगा नंबर उसमें चूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी, मैक्सिमम स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मैक्सिमम ज्यादा, स्पेनिश, मैंडरिन, चाइनीज मैंडरिन, यस मैंडरिन है या इंग्लिश है या अरबिक है? इंग्लिश, मैंडरिन। ओके जी, मैंडरिन, मैं खुद बोलता हूँ मैंडरिन, बोल के दिखाऊं? दिखाओ, मैंडरिन। अच्छा जी, अब एक नंबर आप चूज कीजिए और एक आप चूज कीजिए। क्यों भाई? क्योंकि पिछला वाला आपका गलत था। नहीं, यस, हाँ गलत था, यस, तो मैं इनको चार नंबर दूंगा। मैं आपको आठ दे रही हूँ। वेरी गुड, इनका इनका ऑप्शन नहीं था, ये कोई एहसान नहीं है मेरे ऊपर कि मैं इनको आठ दे रही हूँ, बचा ही वही है। ये किसका है, आठ किसका है? मेरा है, इनका है। रिंग्स, अरे वाह, Mankind Pain. ये किसका म्यूजिक बज रहा है? मुझे पता है, ताहिर शाह का। चल भी रहा हूं, उड़ भी रहा हूं यार। ये वैसे फरिश्तों के लिए होता है, गलत इंसान को चलाएगा। अरे क्या है यार, ऐसा लग रहा है। और आखिरी चीज फहमीन के लिए, अभी हम मिलके पहनाएंगे। हाँ, मैं नहीं पहनाऊंगा ये सब चीजें। फहमीन इसे मॉडलिंग हो जाए थोड़ी सी, ये थोड़ी सी जिस तरह की जिस तरह की दुल्हन थी, अपना दूल्हा ये खुद ही बन सकती थी। ठीक है जनाब, आगे बढ़े की छोटा सा ब्रेक लेके हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एसेट कार्ड। Now welcome back to Time Out with Asin. ऐसे क्यों बैठे हैं आप आगे होके, क्या हुआ है? मैं जरा स्ट्रेस है, टेंस में, जरा कमर में, आपको पता है ज्यादा दर्द होगी। क्या करूं, इसलिए बैठा हूं क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा है पीछे जो लगा हुआ है मेरे क्वेश्चन। मेरे के साथ और क्वेश्चन चाहिए आपको? नहीं नहीं, नहीं और नहीं चाहिए। ठीक है, बर्थडे केक यहां पे यार। ओह माय गॉड, देखिए ताबिश की बर्थडे आज, तो आज ताबिश भाई शो ही इनका हो गया, ये तो टाइम आउट विद ताबिश हाशमी, ये भी अच्छा है। ये केक कहीं और जाएगा? नहीं, मैं वहीं आ रहा था केक लेके। कहाँ जा रहे हो? ये उठाऊंगा ना मैं। फहमीन आइए यहाँ पे, पकड़ो। आइए फहमीन, हाँ ये उठा ले, इसकी ज्यादा जरूरत है। आप ये आप करो, चलो चलो, रेडी? ओके, खाने के ऊपर नहीं, काटूं? हाँ, रेडी, मुझसे हो जाइए, एक मिनट। हैप्पी बर्थडे टू यू। फहमीन का दिल ही नहीं है यार, दिल ही नहीं है मेरी बर्थडे मनाने का। हाँ, ये खुद ही, आप खुद ही कहेंगे, खुद खा गए, छुरी वाले ने किसी को नहीं खिलाया, छुरी छुरी नहीं चला, टाबे से चलाओ। थैंक यू बर्थडे, बहुत आला,
बहुत खूब, इस तरह से मैंने डिसीजन माना है। क्या बात है आप लोगों की, ये स्टेज से नहीं उतरे, ये फैंस ऊपर ना चढ़े, प्लीज नीचे उतरे। अच्छा अब बर्थडे चुके हैं तो फिर उसमें थोड़ा बहुत डांस वांस या कुछ ऐसी, अगर पर्ची निकल आई तो कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, देखो पर्ची अगर निकल आई तो ठीक है, मुझे बिल्कुल डांस करना नहीं आता, वैसे जो भी आता आपने कर लेना है, मैं तड़प जाऊंगा। हां तो क्या, हां ठीक है दादा, मार ले, अच्छा था ये, कौन सी वाली जो मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मुझे पर्ची मिले। बड़े आर्टिस्ट को मिलती है ना पर्ची, को बड़ा आर्टिस्ट कहता है यार मैं पर्ची मिली है, पर्ची मुझे पर्ची मिली है, अम्मी मुझे आज पर्ची मिली। अरे ये लिखा है यू नोटोरियस गाय प्लीज कम नियर टू मी, नीड़ा जालिमा ए लगाओ यार, ये तो बेस्ट सॉन्ग है, ताबिश का फेवरेट गाना। शुरू कब हो गई है? ये मैं लड़की हूँ इसमें, जो मैं लड़की हूँ इसमें, कुछ भी हो, पुरानी फिल्मों में ऐसी डांस होते हैं ना। फिर रिवेंज, गंदगी नजर ही ना आए। ये शूट किस पे हुआ है? नरगिस, नरगिस पे शूट हुआ है, नरगिस पे शूट हुआ है, और मैं इस पे डांस कर रहा हूं। मेरे मैं मेरे मेरे को कसूर नहीं है, ये नरगिस मुझे पता ही नहीं था, ये तो मैंने उनको देखा है गाते हुए यार, वो क्या नाम है, कौन सी विकर जी, जोई 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 की बहन, हाँ रेचल, रेचल रेचल ने गाया है, रेचल रीसिंग की है, ओरिजिनली सायरा नसीम ने गाया, हाँ मुझे पता है, लेकिन कोक स्टूडियो में देखा था तो मुझे तो वही वीडियो याद आ रही थी। ओहो अच्छा, वो वीडियो आपने नरगिस का नहीं देखा, म्यूट पे देखा था तो मैं पता नहीं कर पाया, गाना ये था मुझे, आई एम सॉरी नरगिस जी। अजी बैठ जाए, ठीक है सही है, मेरी बारी है, क्या करूं, कुछ भी कर लो, कोई शरीफाना गाना निकल आए, लग रहा है पापी चुलो निकलेंगे, पापी चुलो। आप ही को बुलाऊंगी फिर यहाँ, मैं नरगिस हो चुका हूँ। वहां पे किस तरह डांस हुआ है, क्यूट। Very good. ताबिश आज शो का टाइम कैसे गुजरा इसका मुझे वाकई पता नहीं चला। तो है घड़ी ठीक करा ले। घड़ी तो ठीक है लेकिन बाकी जल्दी गुजर गया। मजा आया, बहुत मजा आया। वो करवा लिया हम लोगों से जो कभी नहीं किया जिंदगी में। साल गुजर गया, एक साल गुजर गया। देखें 2021 में आए थे हम लोग यहाँ। अच्छा जाते जाते जनाब कुछ अपने फैंस को या जो लोग देखते हैं पसंद करते हैं क्या कहना चाहोगे? तो आप लोगों ने इतना थका दिया कुछ निकल नहीं पा रहा है, बट मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टू मच लव, टू मच अप्रिसिएशन फॉर आवर वर्क, और इसी तरह हमें देखते जाएं और प्यार करते जाएं और अपना ख्याल रखें, एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, बिल्कुल। ताबिश क्या कहोगे अपने देखने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों को और नफरत करने वालों को भी? हेडफोन लगा के देखें, अकेले में देखें, आप लोग सब फैमिली बैठ के देख लेती है, व्यूज कम हो जाते हैं, अकेले अकेले हर कमरे में, सबके पास मोबाइल है ना आप लोगों के पास, तो एक साथ बैठ के देखने की क्या जरूरत है यार, अलग 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 देखें, व्यूज़ बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप ही सबकी, आपकी वजह से ही हम हैं, तो ऐसा है कि बढ़ते चले जाएं। आइए आइए जनाब, आइए, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन, थैंक यू माशाल्लाह, और इसी तरह लोगों को हंसाते रहो, खुश रहो, और वो क्या कहते हैं ना कि जबरदस्त शो जो है वो करते रहो, एंड यू आल्सो, वो बड़े नहीं होते जो दुआएं देते हैं बेटा, ठीक है क्या कहा, टेक योर वर्ड्स बैक। और लो देखो किसके साथ तुमने अंकल कह दिया यार, दिखा रहे भाई से, नहीं मैं उनको ही पता है, मजाक कर रहा हूँ, उनको ही पता है, चचा बनते हैं, अंकल तो सूट भी नहीं कर रहा।
ठीक है फहीम, फहमीन, फहमीन, प्लीज फहमीन, ऐसे ही बोल दिया. फहमीन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू सो मच. और विश यू ऑल द लक. थैंक यू सो मच. अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स ठीक है नजर आते हैं. आप भी बोलो. जी जरूर. ठीक है. और ताबिश आप कहेंगे गुड बाय टू एवरीबॉडी और इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी. चलें. वो नहीं जा रही. नहीं आप बोले ना. वो यही फिर अकेला मैं गुड बाय कहता. अच्छा आपको देख रहे ना. आए तो हम दोनों थे. ठीक है इकट्ठे आए थे क्या. नहीं इकट्ठे नहीं. नहीं दस दस मिनट के फासले से आए. लेकिन मैं गुड बाय कहना चाहूंगा. थैंक यू सो मच एसन. बहुत मजा आया आपके. थैंक यू वेरी मच. ज्यादा मजा आया जब आप मेरे शो में आए तो. ज्यादा उससे ज्यादा मजा आया. खाने पीने की चीजें बहुत अच्छी. बहुत मजे की. हम तो वही घर के बने हुए आलू लाए. तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दिस एपिसोड. ये तो मेरे ख्याल से सबसे हिट जाएगी. हाँ इंशाल्लाह. मुझे अभी से खुशफहमी. हाँ इंशाल्लाह. और अगले हफ्ते मुलाकात होगी. देखते रहिए. टाइम आउट विद एसन स्कॉट.